यूपी चुनाव की बिसात बिच चुकी है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। लेकिन एक तरफ चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। फिलहाल इसको लेकर जो संकेत मिले हैं उनकी माने जनवरी के मिड में चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जहां जनवरी के पहले ही हफ्ते में तारीखों की ऐलान की चर्चा थी, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और ओमिक्रोन के खतरे के कारण इसमें देरी हुई। बता दें, भारत निर्वाचन आयोग की टीम हालात का जायजा लेने के लिए यूपी का दौरा कर चुकी है। चुनाव को लेकर टीम ने पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद यूपी पहुंचकर चुनाव आयोग की टीम ने जिला स्तर पर जाकर कोरोना के हालात पर जानकारी ली। साथ ही आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की, उनकी शिकायतों और सुझावों को भी जाना। वहीं यूपी पहुंचकर आयोग की टीम ने इस दौरे की एक रिपोर्ट भी तैयार की, जिसे वो निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे, जिसके बाद ही सूबे में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, CPI, CPIM, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। आयोग ने उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं का संज्ञान लिया। वहीं जानकारी की माने तो 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से इस बार के चुनाव तारीखों के ऐलान में देरी हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 जनवरी के बीच आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। जहां साल 2017 में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, इसके अलावा 2017 में 11 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच 7 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। माना जा रहा है कि इस बार चरणों की संख्या में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए तेजी से चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता होगी।